بسم الله الرحمن الرحيم क्या टोपी पहने बगैर नमाज हो जाती है? फवाद मुज्तबा। भाई टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है बगैर टोपी के भी? भाई बगैर टोपी के भी नमाज़ हो जाती है, मगर ख़िलाफ़ सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर ढांक के नमाज़ पढ़ा करते थे। मस्नूई पलकें और मस्नूई बाल लगाने का हुक्म, क्या मस्नूई पलकें लगाना जायज़ है? जो कुछ देर के लिए ग्लू के ज़रिए असल पलकों के ऊपर लगाई जाती हैं, इस तरह सर के ऊपर असली बालों के साथ बालों को लंबा करने के लिए नकली बाल जोड़े जाते हैं, क्या ये दोनों जायज़ हैं? जबकि ये दोनों किसी इंसान के बाल नहीं होते बल्कि प्लास्टिक या किसी और चीज़ के बाल होते हैं। बिनते नईम कराची। भाई जायज़ है, अगर इंसानी बाल नहीं है, आर्टिफिशियल बाल हैं तो फिर जायज़ है, लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि धोखा देना जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा वो माएँ अपने बेटों के लिए रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की को उसने मसनूई पलकें लगाई हुई होती हैं और मसनूई बाल लगाए हुए होते हैं, लड़के की अम्मा समझ रही होती हैं कि माशाल्लाह कोई क्या होता है, मिसेज़ वर्ल्ड जो है ना, मिस वर्ल्ड नहीं, सॉरी मिसेस वर्ल्ड कह रहा हूँ, मिस वर्ल्ड नहीं है, तो इनको अगली दफ़ा इन्हीं को इनाम मिलने वाला है। जब वो शादी होकर पलकें निकलती हैं तो पता चलता है ऐसा नहीं है, तो किसी को धोखा देना जायज़ नहीं है। वैसे जीनत के लिए मसनूई पलकें या मसनूई बाल का इस्तेमाल किया जा सकता है।